ये पहले क्या यूट्यूब के अंदर वो कर दिया है हमने स्टार्ट किया देखता हूँ मैं तो बहुत गलत ओके चलो जी नहीं कर एस दो वक्त केबीपीएस में चल रहा है 5G फोर जी ये बोर्ड पूरा आ रहा है अच्छा चलो जूम पे ही कर दीजिए, लेकिन ये 45 मिनट बाद जब खत्म होगा तो फिर बुला के वापस से करना पड़ेगा ना। नहीं वो जब कन्वर्ट होना रहता है ना तो उसको वो पेज नहीं हटता जैसे ना, ये कर ठीक है मैं बुलाऊंगा, ठीक है यहीं पे तो रहेंगे ना। ठीक जूम पे ऑन कर दो, चलो कोई बात नहीं, जूम पे ऑन कर दो और रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, जूम पे ऑन कर, लिंक भेज दीजिए भैया, भैया लिंक डालिए अगले ग्रुप में और मैसेज लिख दीजिए यूट्यूब पे नहीं है, है ना, मैसेज डाल दीजिए कि यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक हो गया और मैसेज जाएगा फिर ज्वाइन करेंगे ना, वो लोग तो यूट्यूब का वेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये ब्लूटूथ ये कनेक्ट है ना, ये ये अच्छा ही ढंडा टिल्टेड है ना। स्ट्रिक्ट यार मैसेज डाल दिया भैया, हस्ता मेघा सीधा हेलो आवाज आ रही है भी ऑनलाइन में, ठीक सर आ रही है मैं जो है वो कान में नहीं लगा के रखूंगा इसको, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज डालिएगा तुरंत, ठीक है, अगर वॉइस का कोई इश्यू है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है ग्रुप में तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर चलिए ठीक देखिए भैया, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी में चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लीकेशंस, ठीक है। तो अप्लीकेशन में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने आपसे 3 सवाल पूछे थे कि क्या हम कोई जेनेटिक्स के थ्रू ऐसा मेथड डेवलप कर सकते हैं जिससे हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सके या कम कर सके केमिकल्स के ऊपर, जवाब था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा कि क्या हम कोई ऐसा मेथड डेवलप कर सकते हैं जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके जिससे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, तो जवाब क्या था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और कुछ फीचर्स के बारे में बात किया हमने। पहले तो डेफिनेशन का डिस्कस किया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएमओ, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंजाई जिसके जीन को आपने अल्टर कर दिया बाय द मैनिपुलेशन बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, यही क्या है भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, कौन कौन से फीचर जो प्रेजेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बाद। नंबर 1,
इंक्रीज द टॉलरेंस टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस. सब लोग बोलेंगे भैया साथ में, इंक्रीज द टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आएगा? कोल्ड है, ड्रॉट है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है. इन सारी चीजों से पहले फसल को बहुत नुकसान पहुंचता था, लेकिन जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई उसमें अब इन चीजों से नुकसान बहुत कम हो गया. टॉलरेंस लेवल हमने बढ़ा दिया. दूसरा फीचर क्या था जीएमओ का? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द पेस्टिसाइड, यानी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया. अब आपको अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है. तीसरा फीचर क्या था? रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. चौथा फीचर क्या था? इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड कर दिया था. एंड दिस इज नथिंग बट बायो फोर्टिफिकेशन. पहले आप पढ़ चुके हो बायो फोर्टिफिकेशन, एंड नीट यूजी 2022 में पूछा गया मिनरल इनहांसमेंट ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन. पांचवा फीचर क्या था जीएमओ का? इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ द मिनरल यूजेज. किसी भी मिनरल को अगर कोई प्लांट कोई क्रॉप सॉयल से पिक कर रहा है देन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी हमने इफिशियंसी बढ़ा दी. और इफिशियंसी बढ़ाने से क्या होगा कि उस मिनरल का जो लॉस होगा सॉयल से उसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे, यानी हम प्रिवेंट करेंगे अर्ली लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल को. छठवें नंबर पे क्या फीचर था भैया? टेलर मेड प्लांट, यानी आप एक ऐसा प्लांट बनाओगे जिसमें एक से ज्यादा डिजायरेबल फीचर एंड कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, और आप उनको एक अल्टरनेट सोर्स की तरह यूज कर सकते हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था जीएमओ के बारे में. देन हम लोगों ने डिस्कस किया बैसिलस थुरिंजेंसिस के बारे में. एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एक ऐसी पावर है कि ये एक ऐसा प्रोटीन बना सकता है जो इंसेक्टिसाइडल नेचर का है. बैक्टीरिया के उस जीन को जो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, आपने बोला बीटी जीन. बीटी मींस बैसिलस थुरिंजेंसिस, बीटी मींस बैसिलस थुरिंजेंसिस. इसका जो जीन है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने के लिए. बैसिलस थुरिंजेंसिस अपने लाइफ टाइम में ग्रोथ करते करते इस सर्टेन फेज ऑफ ग्रोथ के समय प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन. बट वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है दैट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, तो हम बोलते हैं कि वो प्रोटॉक्सिक है ना, यानी टॉक्सिक मटेरियल तो है लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी अभी एक्टिवेट नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है. फिर आपने बोला कि उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? हाईली अल्कलाइन पीएच चाहिए. अब वो हाईली अल्कलाइन पीएच उसको कहां मिलता है? वो मिलता है इंसेक्ट के गट में. जब इंसेक्ट आता है और उस बीटी जीन वाली क्रॉप में क्या करेगा भैया? फीड करेगा. तो बीटी जीन प्रोड्यूस करेगा बीटी प्रोटीन, और वो बीटी प्रोटीन पहुंचेगा इंसेक्ट की बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर वो कहां पहुंचेगा? गट वाले पोर्शन में. गट में तीन पार्ट थे, कौन कौन से? मिड गट, फोर गट, हाइंड गट. मिड गट में प्रेजेंट है हाईली अल्कलाइन पीएच, कितना था? 9.5. वहां पहुंचते इस 9.5 पीएच को लेकर वो जो इनएक्टिव टॉक्सिन यानी प्रोटॉक्सिन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन. अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा और जाके मिड गट की एपिथेलियल सेल से बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद वहां पर क्या करेगा? लाइसिस काज करेगा, स्वेलिंग काज करेगा, और अल्टीमेटली क्या करेगा? पोर्स क्रिएट कर देगा. और वहां पे पोर्स क्रिएट होने पर उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी. और हम यही तो चाहते थे, हम चाहते थे कि इंसेक्ट जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम मार दें. क्या हमने किसी तरीके का केमिकल इस्तेमाल किया? नहीं ना भाई, ये हमने कैसे किया? हमने एक लाइव ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किया. तो यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म एज ए पेस्टिसाइड, नाम क्या दिया गया इसको? बायो पेस्टिसाइड, या आप इसको बायो इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं. क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था भैया कि ये जो बीटी जीन्स हैं, ये किन किन ऑर्डर्स के किन किन इंसेक्ट पे इंफेक्शन करने के बाद मारने की ताकत रखते हैं. तीन एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको. पहला ऑर्डर क्या था? लेपिडॉप्टेरा. ठीक है, दो एग्जांपल्स थे, कौन कौन से?
टोबैको, पडवर्म एंड आर्मी वर्म, बीटल्स ने भी आया। बीटल्स दूसरे ऑर्डर पे हैं, दूसरा ऑर्डर है कोलियोप्टेरंस और उसका एग्जांपल क्या है, बीटल्स। तीसरा कौन है ऑर्डर, कौन सा, डिप्टेरंस और उसके एग्जांपल दो कौन कौन से, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इतने लोगों के ऊपर बीटी जीन क्या करता भैया, इफेक्टिव है, काम करता है। क्लियर है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे भैया कि ऐसे क्रॉप जिसमें आप बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर दोगे, उनके नाम के आगे बीटी लगा दोगे। जैसे आपने सोयाबीन में बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया तो आपने बोला बीटी सोयाबीन, राइस में आपने बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया तो आपने बोला बीटी राइस, ठीक है। पोटैटो में, टोमेटो में, जिस किसी में भी आपने इंट्रोड्यूस किया बीटी जीन, नाम क्या दे दिया आपने, बीटी क्रॉप। बेसिकली आप क्या बोलोगे भैया, बीटी क्रॉप, यानी आपने किसी भी क्रॉप में बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो हम लोगों ने बेसिकली पिछले लेक्चर में सिर्फ किसके बारे में बात की थी, बैसिलस थुरिंजेंसिस के बारे में। उसमें एक एग्जांपल है बीटी कॉटन, यानी कॉटन को इंसेक्ट से बचाने के लिए जब हमने बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया तो बोला बीटी कॉटन, एंड ये बीटी कॉटन आपके सिलेबस में डिटेल में है, ये आपको पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी बस आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो आपकी आज की पहली हेडिंग होगी बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, चलिए भैया बीटी कॉटन, एनसीईआरटी बंद कर दिए भैया आप लोग, एनसीईआरटी बिल्कुल बंद रखिए, क्लासरूम में एनसीईआरटी आप तभी ओपन किया करिए जब मैं आपसे बोलूं, पढ़ाते समय अंडरलाइन करने की कोशिश मत किया करिए, नहीं तो ना आप इधर के होंगे ना आप उधर के होंगे। यहां पर आप क्या करिए, चीजों को समझिए और फिर घर जाके एनसीईआरटी ओपन करके उनको क्या करिए भैया, मार्क करिए, सारी चीजें आपको 100% डिक्टो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वही मिलेंगी जो वहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। और उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। क्लासरूम में करने की कोशिश करेंगे भैया तो यहां का भी मामला खराब होगा और घर का भी मामला खराब होगा। चलिए तो स्टार्ट करते पढ़ना बीटी कॉटन के बारे में। देखिए भैया, नाम से आपको पता है कॉटन का क्रॉप प्लांट है भैया, और उसमें आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बीटी जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। बीटी जीन मतलब किसका जीन है, बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया का, लेकर आएंगे इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें, कॉटन में। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ये जो बीटी जीन्स होते हैं दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बीटी जीन लेकर आओ और किसी भी इंसेक्ट का काम तमाम कर दो, ऐसा नहीं होगा। हर एक अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग बीटी जीन होगा, या यूं कहें कि हर एक अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग क्या होगा भैया, बीटी जीन होगा, क्योंकि क्रॉप बदलेगी तो उस क्रॉप पे फीड करने वाले इंसेक्ट बदल जाएंगे, और जब इंसेक्ट बदलेगा तो उस इंसेक्ट के अगेंस्ट में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाला प्रोटीन बदल जाएगा, और फिर उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन बदल जाएगा। यानी बीटी जीन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड द चॉइस ऑफ जीन वरीज विद द चॉइस ऑफ द क्रॉप। जैसे जैसे आप क्रॉप बदलते जाओगे वैसे वैसे जीन का चॉइस भी बदलता जाएगा। सिलेबस में आपके सिर्फ एक है कॉटन, तो कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करता है भाई उसका नाम है बॉलवर्म। क्या नाम है, बॉलवर्म। तो आपको क्या करना है, आपको इस कॉटन को उस बॉलवर्म से बचाना है, यानी आपको बेसिकली बैसिलस थुरिंजेंसिस से वो जीन लेकर आना है जो ऐसी प्रोटीन बनाए जो बॉल वर्म को मार दे, यही चाहिए आपको। तो वो प्रोटीन है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है, क्राई प्रोटीन, CRY, क्राई प्रोटीन नाम है उस प्रोटीन का जो बॉल वर्म को मारने की ताकत रखता है। और क्राई प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन का नाम क्या होगा, क्राई जीन। कहां से निकालोगे, बैसिलस थुरिंजेंसिस से। सोर्स एक ही है, सोर्स बैक्टीरिया एक है आपके पास, बैसिलस थुरिंजेंसिस। बस जैसे जैसे आप टारगेट टेस्ट या टारगेट क्रॉप बदलते जाओगे जीन बदलता जाएगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट आप एक ही जगह से करोगे, कहां से, बैसिलस थुरिंजेंसिस से। तो भैया आपके पास एक कॉटन का प्लांट है और इस पे अटैक कर रहा है कौन, बॉलवर्म, और आपकी इस कॉटन के क्रॉप को बर्बाद कर दे रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी को घटा दे रहा है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो उसको बॉलवर्म से बचाना। कैसे बचाओगे,
बचाने के लिए आप जाओगे बैसिलस थुरिंजियंसिस के पास, वहां से उससे लोगे बीटी जीन। कौन सा जीन? जो बॉल वर्म को मारने वाली प्रोटीन बनाए। नाम क्या है उसका भैया उस बीटी जीन का? क्राई जीन। वो क्राई जीन लेकर आओगे और उस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस कर दोगे इस कॉटन प्लांट में। ठीक है, जब कॉटन प्लांट में क्राई जीन इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इस कॉटन प्लांट की ईच एंड एवरी सेल में क्राई जीन पहुंच जाएगा और वहां पहुंच के क्या प्रोड्यूस करेगा? क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन किस फॉर्म में होगी? इनएक्टिव फॉर्म में होगी। क्लियर भाई? तो ये आपने मेथड उसके अंदर डेवलप करवा के छोड़ दिया। अब बॉलवर्म आएगा भैया मजे करते हुए, उसको क्या दिखेगा? कॉटन। और तुरंत पहुंचते क्या करेगा भैया? उसके ऊपर फीड करेगा। और जब उसके ऊपर फीड करेगा तो वो क्राई प्रोटीन उसकी बॉडी में चला जाएगा और फिर बॉडी में सीधे कहां पहुंचेगा? गट रीजन में पहुंचेगा। गट में भी कौन सा गट? मिड गट में पहुंचेगा। और मिड गट में पीएच कितना है? 9.5, यानी हाईली अल्कलाइन पीएच है। और इस हाईली अल्कलाइन पीएच से वो इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिक में और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जाके बाइंड करेगा मिड गट की एपिथेलियल सेल से, वहां पे लाइसिस काज करेगा, स्वेलिंग काज करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा और बॉल वर्म की डेथ हो जाएगी। और यही आप चाहते थे भैया। क्लियर बात है ना? यही है पूरा कंप्लीट डीटी कॉटन। ठीक है, समझ में आया? कुछ खास नहीं भैया, है ना? कहानी वही जो पुरानी वाली थी वही सेम रिपीट हुई है, सिर्फ एक चीज फर्क हुआ भैया। पहले बीटी जीन बोलते थे, अब क्राई जीन बोल दिए, बस और कुछ नहीं बदला। जितनी कहानी पीछे लिखाई है सेम लिखेंगे आप, बस बीटी जीन की जगह क्या लिख देंगे? क्राई जीन लिख देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। बैसिलस थुरिंजेंसिस, साथ साथ लिखेंगे भैया। बैसिलस थुरिंजेंसिस, यहां से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे बीटी जीन। यहीं पर आप लिखेंगे दीज बीटी जीन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, दैट इज क्या मतलब है इसका? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होने का मतलब है चॉइस ऑफ जीन चेंजेस विथ चॉइस ऑफ क्रॉप। आप क्रॉप बदलोगे जीन बदल जाएगा, या फिर आप क्रॉप के आगे ऑब्लिक करके लिख सकते हो टारगेट पेस्ट। जिस पेस्ट को आप टारगेट कर रहे होगे उसके हिसाब से आपकी चॉइस ऑफ जीन क्या होगी? बदल जाएगी। चॉइस ऑफ जीन चेंजेस विथ द चॉइस ऑफ द क्रॉप आर टारगेट पेस्ट। जैसे जैसे आप चॉइस बदलोगे जीन बदलता चला जाएगा। डन बात है भैया? अब देखिए थोड़ा सा बगल में जहां जगह हो वहां पे लिखिएगा भैया, थोड़ा सा साइड में लिखिए कॉटन। कॉटन के नीचे लिखिए भैया अटैक्ड बाई। कॉटन के ऊपर अटैक कौन करता है? बॉल वर्म। अटैक्ड बाई बॉल वर्म। बॉल वर्म के ऊपर आपको एक्शन लेना है तो बॉल वर्म को किल करने वाला बीटी जीन कौन सा होगा? क्राई जीन। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं भैया, देखिए यहां से बॉल वर्म को लेकर आइए और यहां से ये वाला स्टेटमेंट लेकर आइए और फिर दोनों को एक साथ क्लंप करके लिखिए क्राई जीन। क्राई जीन तो कॉटन पे अटैक करेगा बॉल वर्म और अभी अभी आपने बोला कि जीन बदल जाएगा अगर आप इंसेक्ट बदलोगे, तो इस बॉल वर्म को मारने वाला वो चॉइस ऑफ जीन कौन है? क्राई जीन। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, आप इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करोगे कहां पे, कॉटन में। इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन, ईटन बाई बॉलवर्म, बॉलवर्म उसको ईट करेगा तो ये कहां पहुंचेगा, रीचेस द, इसके आगे की कहानी आप जानते हो, रीचेस द मिड गट ऑफ बॉलवर्म, बॉलवर्म के मिड गट में पहुंचेगा। Introduced in cotton, then eaten by bollworm, reaches the mid gut of the bollworm, gets activated due to alkaline pH. Gets activated ड्यू टू अल्केलाइन पीएच, क्या एक्टिवेट होगा, टॉक्सिक प्रोटीन, कौन सी, ये क्राइजीन, ठीक है ना, क्राइजीन इंट्रोड्यूस इन द कॉटन, ईटन बाय द बॉलवर्म, और ये जो रीचेस द मिड गट ऑफ बॉलवर्म लिखा हुआ है यहां पे लगा दो क्राई प्रोटीन, क्या पहुंचेगा यहां पे, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन रीचेस द मिड गट ऑफ द बॉल वर्म, और ये क्राई प्रोटीन कैसी है, इनएक्टिव, इनएक्टिव क्राई प्रोटीन रीचेस द मिड गट ऑफ द बॉल वर्म, गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू अल्केलाइन पीएच। उसके बाद क्या होगा भैया, बाइंड्स विद द एपिथेलियम सेल ऑफ द मिड गट, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, कॉजेज, कॉजेज नंबर वन स्वेलिंग, नंबर टू सेल लाइसिस, और नंबर थ्री पोर्स, और ये होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा भैया, हाँ कहने का मतलब ओवरऑल इतने सिम्टम्स आएंगे, और लास्ट में जो आपका इंसेक्ट है बॉल वर्म वो मर जाएगा, बॉल वर्म डाइज, और आपका भैया मिशन क्या हुआ, एकम्प्लिश, ठीक है ना भैया, यही तो करना चाहते थे ना भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये है भैया पूरी कहानी किसकी, बीटी कॉटन की, पूरी कहानी बीटी कॉटन की आपके सामने लिखी हुई है भैया। कल आप लोगों में से किसी ने ऑनलाइन क्लास की थी क्या, आपने की थी, बोर्ड पे दिख रहा था, बहुत छोटा था ना भैया, आज दिख रहा है ना, आज थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, लिखिए भैया, ये है बीटी कॉटन की पूरी कहानी। अब भी हम बात करेंगे कि ये जो लाइन हमने लिखी कौन सी, चॉइस ऑफ जीन चेंजेस विद द चॉइस ऑफ द क्रॉप, तो इस लाइन को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होगा, क्या चॉइस ऑफ जीन बदल जाएगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे एग्जांपल,
एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल में आप भैया तीन कॉलम बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्रॉप, क्योंकि अभी अभी आपने बोला क्रॉप बदलेगी तो जीन बदलेगा, तो पहले लिखो क्रॉप, दूसरा लिखो टारगेट पेस्ट, टारगेट पेस्ट, और तीसरा लिखिए भैया जीन। उस टारगेट पेस्ट को खत्म करने के लिए प्रोटीन बनाने वाली जीन कौन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो कॉलम आप आगे लिखने जा रहे हैं ये नीट में बार बार आता है, कई बार आता है भैया। चलिए भैया क्रॉप उठाते हैं, पहले तो यही क्रॉप उठाते हैं भैया जो आपके सामने है। क्या नाम है इनका भैया? कॉटन। पहली क्रॉप आपने पिक की है कॉटन, तो कॉटन पे पेस्ट कौन है ये आपको पता है भैया? कौन काम कर रहा है? बॉल वर्म। ठीक है, इस बॉल वर्म को ट्रीट करने के लिए, लड़ने के लिए, मारने के लिए जो जीन चाहिए भैया उसका नाम क्या है? क्राई तो है ही है भाई, क्राई के आगे क्या है? कुछ दो क्राई है भैया, यहां पे दो बार रोएंगे आप, है ना? एक बार है क्या? क्राई फर्स्ट एसी, और एक बार क्या भैया? क्राई सेकेंड ए बी। ये दो क्राई चाहिए किसके लिए? कॉटन के बॉलवर्म को मारने वाली प्रोटीन बनाने के लिए ये दो जीन चाहिए। कौन कौन से? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ये दो लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको किसमें? कॉटन बॉलवर्म को ट्रीट करने के लिए। क्लियर है? लिख लो। चलो अब एक और एग्जांपल लेके इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि क्या अगर मैं क्रॉप बदल दूंगा या टारगेट पेस्ट बदल दूंगा तो वो जीन बदल जाएगा। चलिए भैया इस बार आपको पॉपकॉर्न खिलाएंगे भैया, कॉर्न पसंद है भैया आपको? पॉपकॉर्न पक्का? मसाला वाला? बिना मसाला वाला नहीं पसंद है। कॉर्न पे अटैक करता है भैया टारगेट पेस्ट का नाम है कॉर्न बोरर। क्या नाम है? कॉर्न बोरर। और इस कॉर्न बोरर को मारने के लिए जो आपको प्रोटीन चाहिए और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो आपको जीन चाहिए उसका नाम क्या है भैया? क्राई फर्स्ट ए बी। ये चाहिए आपको भैया। तो ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके ये वाला स्टेटमेंट जस्टिफाई किया गया कि अगर आप क्रॉप बदल दोगे, अगर आप टारगेट पेस्ट बदल दोगे तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस टॉक्सिक प्रोटीन को बनाने की वो बदल जाएगी। ठीक है, और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही पूछते हैं वो बार बार, और यहां कुछ भी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में हमेशा यही लिखा होगा क्या? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एसी, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी, यही चारों लिखे होंगे भैया, और आप ऑप्शन पढ़ते पढ़ते क्राई करने लगोगे, है ना? तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना भैया, छापिए। छाप लिया? बहुत एक्टिवेट है आज लोग आप लोग, हाँ साथ साथ छापते रहे। डन भैया, ये बात खत्म हुई किसकी? बीटी कॉटन की, पूरी तरीके से, है ना? मैंने आपको बोला था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में तीन एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला मैंने आपको पढ़ाया क्या? गोल्डन राइस, दो लाइन बस पढ़ी आपने गोल्डन राइस के बारे में, और उससे बाहर नीट में कभी नहीं जाता है, वो बस एक ही सवाल पूछते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड राइस इज गोल्डन राइस, ठीक है ना? हालांकि ये जिससे डिराइव किया गया था उसका नाम है डेफोडिल, मैं वो आपको लिखाऊंगा बाद में, है ना? डेफोडिल से डिराइव किया गया गोल्डन राइस को, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, और पिछले हमें लगता है 34 इयर्स में एक या दो बार, एक बार पूछा है उन्होंने, तो वो फिलहाल आपके सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, स्टिल मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा उसको। दूसरा एग्जांपल था कॉटन, और कॉटन की कहानी अब पूरी तरीके से खत्म हुई आपकी।
तीसरा एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है वो है टोबैको, है ना भैया? टोबैको एक ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है, नहीं पसंद है? पक्का पक्का नहीं पसंद है भैया? तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टोबैको। अच्छा, टोबैको के फील्ड में हम लोग एप्लीकेशन क्यों पढ़ रहे हैं भैया? टोबैको तो बेकार चीज है ना, पैसा है ना भैया, पैसा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टोबैको बहुत बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं भैया कि बॉलीवुड के टॉप 3 एक्टर जुबा केसरी कहते हुए नजर आ रहे हैं टीवी में, देखा ना आपने, है ना भैया? अजय देवगन और अक्षय कुमार और शाहरुख खान, तीनों लोग एक साथ जुबा केसरी कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे जाहिर सी बात है भैया कि टोबैको बेच के इतना पैसा आ रहा होगा कि तीन तीन लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, तीन लोग। मुझे नहीं लगता शायद पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको टॉप मोस्ट 3 एक्टर एक साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा भाई, कोई भी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट कितना कितना इंपॉर्टेंट है भैया। वो अलग चीज है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से मुंह लाल हो जाता है ना भैया? तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, टोबैको का, ठीक है ना? तो अगर ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो इस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना है हमको, और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। चलिए अगला टॉपिक है आपका टोबैको, लिखिए। ये हो गया भैया कहानी खत्म, सबने लिख लिया ना? चलिए भैया अब से लेकर क्लास खत्म होने तक आप सबको सिर्फ क्या करना है, जुबा केसरी। संडे को आपका टेस्ट है, पता है ना भाई? टॉपिक क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो ना देने का मूड बना चुके हैं? अभी नहीं बताएंगे ना भाई, लास्ट में भी मत बताना, क्योंकि पहला टेस्ट छोड़ने पर चिट्ठी की फैसिलिटी थी, चिट्ठी देके आप लोग इंटर कर लिए थे। दूसरा टेस्ट छोड़ने के बाद क्या थी भैया फैसिलिटी, क्या थी? 3 क्लास, है ना भैया? और उसके बाद से अटेंडेंस काफी मेंटेन हो गई, है ना भैया? 42-43 बच्चे टेस्ट देने लगे और आज तक 43 बच्चे मुझे दिखे नहीं, है ना? मैं उसमें काफी बच्चे ऐसे टेस्ट दे रहे हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूं, देख ही नहीं रहा हूं, है ना? तो ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी 3 क्लास है, आगे कितनी हो जाएगी, 5, है ना? 5 नहीं 6 कर देते हैं, पूरा एक वीक खत्म ही कर देते हैं, संडे 7 में इंक्लूड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, है ना? पूरा 7 दिन छुट्टी हो जाएगी अगर टेस्ट छोड़ा तो, याद रखना। हाँ, फिर अगला टेस्ट भी छोड़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पढ़ोगे ही नहीं तो एक चेन चलती रहेगी, मतलब बेसिकली आपकी छुट्टी हो जाएगी ओवरऑल, है ना भैया? तो टेस्ट ना छोड़ने पाए इस बात को इंश्योर रखिएगा आप लोग, ठीक है? योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, नहीं ये वही वाला है, एंड हो जाएगा भैया, ठीक है कोई बात नहीं, वापस से एक्टिवेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते भैया, नेक्स्ट कौन सा, कॉटन, कॉटन एक टोबैको भैया, हाँ टोबैको टोबैको तंबाकू भैया, हाँ टोबैको। डबल सी है, पक्का डबल सी है, ये स्पेलिंग है टोबैको की। अच्छा, हम खाते नहीं तो हमको पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? चले भैया जो भी आपको पसंद हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सुनिए, एक है नीमेटोड, यू नो नीमेटोड क्या होता है? नीमेटोड का दूसरा नाम क्या है भैया? सीलेंट्रेटा। हाँ लो मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ, ऑप्शन 1 सीलेंट्रेटा, ऑप्शन 2 पोरीफेरा, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथिस, ऑप्शन डी एस्केहेल्मिंथिस। पक्का डन भैया? हाँ, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया क्योंकि मुझे पता है कि मेडिकल की तैयारी करने वाला छात्र
ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाता है, उसको ऑप्शन मिल जाए दुनिया बदल दे, है ना, ऑप्शन के बिना काम नहीं चलता, इसलिए ऑप्शन दे दिया भैया। तो नीमेटोड इज द सेकंड नेम ऑफ द फाइलम एस्के हेलमेंथिस। नीमेटोड के बहुत सारे मेंबर्स भैया पैरासाइट की तरह काम करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स पे, अलग अलग क्रॉप पे एज ए पैरासाइट काम करते हैं। सिर्फ क्रॉप पे नहीं, ह्यूमन बीइंग तक में नीमेटोड एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं, ठीक है। तो नीमेटोड पैरासिटाइजेस सेवरल क्रॉप्स इवन ह्यूमन बीइंग, सबको भैया क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट का मतलब ये क्या भैया, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। टोबैको का केस हमें जिक्र करना है कि टोबैको में क्या होता है, ठीक। एक नीमेटोड है, नाम थोड़ा सा भैया इनका सुंदर है और आपको याद करना है ना, नाम है मिलाइडी गाइनी इंटरनिशिया। मैं फिर से बोलूंगा, उसके बाद आप लोग रिपीट करेंगे। नाम है मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया, हाँ, ये नाम है किसका, नीमेटोड का। और ये जो नीमेटोड है मिलाइडी, अभी याद हो जाएगा, आज ही याद करवा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा भैया याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना भैया, हाँ याद हो जाएगा, है ना। लोगों के बाबू के नाम कितने खतरनाक खतरनाक होते हैं ना, लेकिन याद हो जाता है या नहीं, हाँ, तो ये भी याद हो जाएगा ना भाई, ठीक। अभी इतनी बार बोलूंगा अपने आप याद हो जाएगा। सुनिए भैया, तो एक नीमेटोड है, नाम है मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया। क्या करता है ये टोबैको में इंफेक्शन काज करता है, सिर्फ टोबैको में नहीं, ये एक्चुअली सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में इंफेक्शन काज करता है। तो एक तो टोबैको लिखा है, एक और जानते भैया आप सोलेनेसी का सबसे बढ़िया कौन सा, पोटैटो पक्का आलू, ठीक भैया, ब्रिंजल, हाँ। तो बेसिकली सोलेनेसी के मेंबर्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, पहुंचेंगे और कहां इन्फेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, रूट में इंफेक्शन काज करते हैं। मिलाइडी गाइनी इंटरग्निशिया एक नीमेटोड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स की रूट में इंफेक्शन काज करता है, और वहां पे जो बीमारी काज करता है उसका नाम है रूट नॉट डिसीज। रूट नॉट डिसीज, नॉट मतलब KNOT, ठीक है ना, नॉट का मतलब क्या होता है भैया, गांठ ना, तो वहां पर भैया ये ट्यूमर बना देंगे, ट्यूमर बना के वहां पे बड़ी बड़ी गांठ बन जाएगी रूट में। और आपको पता है रूट का काम क्या है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अगर रूट में गांठ हो गई, ट्यूमर हो गया, क्या उतना इफिशियंटली मिनरल एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या प्लांट की ग्रोथ उतनी बेहतर होगी, नहीं होगी। और अगर बेहतर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या प्रोडक्टिविटी आएगी उतनी, नहीं आएगी। और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो अक्षय कुमार को पैसा कहां से आएगा, नहीं आएगा ना भैया, तो फिर वापस अक्षय कुमार बाहर हो जाएंगे एड से, है ना, और सिर्फ शाहरुख खान रह जाएंगे, तो अजय देवगन भी रहेंगे ना भैया, हाँ। तो इस बात को इंश्योर करना है कि अक्षय कुमार अलोंग विथ अजय देवगन एंड शाहरुख खान एड में बने रहें, इसके लिए चाहिए खूब ढेर सारा तंबाकू। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया को रोकना है। क्या करना भैया, रोकना है। और रोकने की हमने एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई है, NCERT बोलता है नोवेल स्ट्रेटेजी। नोवेल का मतलब क्या होता है भैया, बिल्कुल नई, एकदम नया स्ट्रेटेजी है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ये तो आप मुझे बताओगे उसमें कितना नया है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, आप आगे आगे बोलोगे। मैं सारी चीजें आपको जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, जो जेनेटिक्स में लापरवाही किए हैं वो अभी बाल खो जाएंगे ऐसे बैठ के कि क्या हो रहा है, और जो जेनेटिक्स मन से पढ़े हैं वो भी फटाफट आगे आगे चलेंगे, ठीक है। तो ए नोवेल स्ट्रेटेजी वॉज एडॉप्टेड किसके लिए, मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया को रोकने के लिए, रूट के इन्फेक्शन को। कैसे रोकते हैं भैया वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले फिलहाल आप मुझे ये बता दो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं भैया, आप बताओगे वो सही है या गलत है, अगर सही है तो किस हद तक सही है। स्टेटमेंट है, किसी भी पर्सन में, ह्यूमन बीइंग हो, कोई प्लांट हो, कोई क्रॉप हो, कोई एनिमल हो, किसी में भी अगर कोई बीमारी होती है, कोई डिसीज होती है, तो उस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोई एक प्रोटीन। ये बात कितनी सही है या गलत है, पहले तो यही बताओ सही है कि गलत है, फिर बाद में बताना। किसी भी पर्सन के अंदर, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग तक हो, अगर कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोई एक प्रोटीन। ये बात सही है या गलत, कोई भी डिसीज हो जाए, एनी टाइप ऑफ, कितनी सही है ये बात,
भैया मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया है, वन जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन वन कैरेक्टर बीडल एंड टाटम। देखो देखो, जीन चेंज नहीं होगा। किसी एक पर्सन को बीमारी हुई, बीमारी कब होगी? बीमारी तो तब होगी ना जब उस बीमारी वाले जीन एक्सप्रेस होंगे, और जीन बीमारी वाला जीन एक्सप्रेस कब होगा? जब ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन उस जीन को एक्सप्रेस करेगी। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप हुआ, बीमारी का क्या मतलब है, कोई कैरेक्टर हो आपके अंदर, कोई भी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो उस कैरेक्टर को बनाने के लिए कोई एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया भी कोई ऐसा प्रोटीन बना रहा होगा जो रूट नॉट डिसीज काज कर रहा है। क्लियर बात है मामला यहां तक भैया? इसके आगे फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे भैया, पहले इतनी चीजें आप लिखिए, ठीक है? चलो लिखना शुरू करो भैया। लिखिए, सेवरल नेमेटोड्स, सेवरल नेमेटोड्स आर फाउंड एज ए पैरासाइट on different crops and even human beings. बहुत सारे निमेटोड ऐसे हैं जो एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं डिफरेंट क्रॉप्स पे, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन।